आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन जो प्रूफ सबमिट करना रहता है, वो सबमिट करने के बाद जो है ना आपको जो है ना यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमरान एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। होप एवरीवन इज गुड। सो आज हमारे साथ हमारे अहमद साहब भी है, और जो है ना अस्सलामुअलैकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। ये वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट वीडियो में मेरे को कमेंट आया था कि भाई यहाँ पर के बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओ बोल के, वीडियो बनाओ बोल के, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे साहब का जो है ना कल ही जो है ना वो लोग कॉलेज को जा गए थे, उनका पहला दिन कैसा था, क्या था, सारा कुछ पूछेंगे ये वीडियो में। और वहाँ पर का एनरोलमेंट कैसा था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे वीडियो के आगे में। तब तक जो है ना हम लोग बैंक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो है ना आपको इंटरनेशनल बैंक्स भी है और जो है ना ऑनलाइन बैंक्स भी है, बट मोस्टली यहाँ पर जो है ना नॉर्मल जो बैंक्स रहते हैं यूके के, वही बैंक्स में प्रेफर करते हैं। बट अभी सिचुएशन ऐसी है पैंडेमिक की वजह से, ऑनलाइन बैंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी हो चुका है। क्योंकि ये आपको जो है ना नॉर्मली कहीं भी जाए तो ग्रोसरी के टाइम या कहीं भी बस में नॉर्मली आप ट्रैवल कर रहे तो उस टाइम बहुत यूजफुल होता। तो वही भी देख रहे थे मेरे को, और उन्होंने भी मेरे को पूछे थे कि मुंजो बैंक होता क्या है, तो उनको भी समझा देता हूँ ये वीडियो में, और आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगी इसके इसके खुले वजह। खुले अल्फाजों में फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, मोनजो होता है पेटीएम, ऐसे हाँ समझना। राइट। देखिए हेमंत साहब आके 15 दिन में वहां और हम आपको ये समझा रहे, तो समझ नहीं, जाओगे भाई मैं इनको नहीं समझा रहा, इनसे मैं सीखा और रहा जो बोल रहा और हूँ के मैं। मेन चीज जो प्रभा जो व्लॉग है जो मैं लास्ट यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वो जो मैं जो बंदे मेरे को पूछा था मोन्जो बैंक, तो आई थिंक वो यहाँ से ही हो शायद, या कहीं और से देख रहा हो या कहीं और से सुना हो, इसलिए वो जाके मेरे को पूछा था। तो उसके सारा कुछ हम लोग इसमें बात करेंगे। बट वो उसमें जो है ना आपको सारा पेपर्स वर्क नहीं रहता, सब पेपर ऑनलाइन वर्क नहीं, रहता। सब ऑनलाइन रहता है। जस्ट लाइक पेटीएम, यू हैव टू हाँ डाउनलोड दी ऐप एंड यू राइट। हैव टू फिल योर डिटेल्स, दैट्स इट। और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं उसके लिए आपको, आई थिंक मैं बहुत टाइम हो गया अप्लाई करने के बाद, मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैं सबमिट किया था वो सारा कुछ नहीं मालूम। अभी हम लोग ये वीडियो में सारा कुछ मैं बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। और जो है ना मोस्टली इसमें पूछेगा BRP कार्ड और आपका पासपोर्ट, और जो है ना आई थिंक ड्राइविंग लाइसेंस रहे तो पूछेगा, या नहीं तो ये दोनों से कौन सा भी काम चल जाएगा। सो आपको बताता हूँ, ये जो है ना आपको एक कौन सा भी एक नॉर्मली फोन है मत, तो उसमें जो है ना आपको प्ले स्टोर में जाके मोन्जो ऐप बोल के रहता है, वो जी डाउनलोड करना पड़ेगा। आप ये श्योर देख करना लो पड़ेगा मोन्जो, ये डाउनलोड हो गया ऑलमोस्ट, जो है ना डाउनलोड होने वाला है, ये डाउनलोड हो गया। इसको ओपन करना है, इसके बाद जो है ना आपको सारे जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पर सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ चाहिए। नहीं के बाद क्रिएट अकाउंट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर दो ऑप्शन रह गए, लॉग इन और कि जो है ना क्रिएट अकाउंट। जैसा ही आप क्रिएट अकाउंट में गए, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। जैसा ही आप सारा कुछ इंटर करें, यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आपको जो है ना डायरेक्ट ये बताए ये शो करेगा, यहाँ पर आपको पिन आएगी जो आप जो मेल इंटर कर रहे थे, तो आपका अहमद आपको मेल ओपन करना पड़ेगा जैसे वो। ही आप लोग मेल आईडी अपनी एंटर करोगे, आपके मेल पे ये ऐसे आपको मोन्जो का एक एड आपको मेल आएगा, जिससे आपको लॉग इन इंटू मोन्जो बोलकर लॉग इन करना पड़ेगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। यहाँ पर जो है ना आपका होम पोस्ट कोड जहाँ पर आप रह रहे वहाँ का आपको पोस्ट कोड इंटर करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब यहाँ पर आपको जो है ना आपका ATM कार्ड जो रहेगा मोन्जो का ATM कार्ड वो आपके घर पे डिलीवर होगा। तो बेहतर रहता कि आप जहाँ रह रहे वहाँ का पोस्ट कोड इंटर करना बहुत ज़रूरी है। पूछेगा जो फ़ोन नंबर आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये फ़ोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको सारा कुछ OTP आएगा। और आप अगर आपका आपके जो जो भी भी आइडेंटिफिकेशन जो प्रूफ सबमिट करना रहता है, वो सबमिट करने के बाद जो है ना आपको जो है ना यहाँ पर रीड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड ए शॉर्ट वीडियो ऑफ योर सेल्फ बोले, तो आपका नाम और आप कहाँ से, आप जो है ना वो जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके बारे में आपको जो है ना रीड करना पड़ेगा। तो रेडी करो, तो और जो है ना यहाँ पर वो लोग ऐसा शो करते हैं यहाँ पर, इसको देख के आपको पढ़ना पड़ेगा, हाय माय नेम इज सो एंड लॉग इन सो, इन आप रीड वॉइस कर दिए। तो उसके बाद जो है ना आपको वेरीफाई जो है ना आपको ईमेल आएगा, ईमेल आने के बाद 2 से 3 दिन आपको कुछ लगेगा, वो लोग वेरीफाई करके आपका जो ATM कार्ड रहेगा आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। हाँ तो भाई जो है ना आप देख लिए, ये जो है ना मोन्जो के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी वो लोग का वॉइस ओवर रहता है वो सारा कुछ सबमिट करने के बाद आपको जो से 2 से 5 दिन का टाइम लगेगा, वो आपको वेरीफाई होने के बाद आपका ATM कार्ड जो है ना आपको घर पहुंचा दिया जाएगा। बट मैं एक चीज़ जो मेन आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं सितंबर में या जो आ गए, तो उन लोगों को मैं इसके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर आने के बाद जो है ना नॉर्मली जो बैंक्स वगैरह है, इंटरनेशनल बैंक्स है, यहाँ पर के जो यूके के बैंक्स है, उसमें जो है ना अपॉइंटमेंट मिलने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। क्योंकि अगर आप जाएंगे कहीं भी HSBC में, यहाँ पर के बार्कलेस में या कोई से भी जगह जाएंगे, तो आपको ढंग ना वो लोग टाइम दे रहे, क्योंकि ये जो कोविड की वजह से जो है ना सारे एप्लीकेशन जो है ना वो लोग स्लो करे हुए हैं, और जो स्टूडेंट्स जितने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो लोग के भी जो है ना
ना बैंक ओपन करने के लिए भी टाइम लग रहा, तो इसलिए बेहतर रहता कि आप जो है ना यहाँ पर आके ऑनलाइन बैंकिंग ओपन करें तो आपको बेहतर रहता। ऑलरेडी अहमद साहब बोल रहे थे कि ये एक पेटीएम के जैसा ही यूज होगा, तो बिल्कुल तो समझ जाइए कि आप यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी बहुत सारे ऑनलाइन बैंक आप बैंक अकाउंट आपको ओपन करने के लिए यूनिवर्सिटी से आपको लेटर लेना पड़ेगा। मैं जो यूनिवर्सिटी से हूँ वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, तो वो लोग को तो लाइक पहले जाकर अपन फिजिकली लाइक अपन खुद ही जाकर आप बैंक अकाउंट के लिए लेटर यूनिवर्सिटी से ले सकते थे, बट अभी कोविड की वजह से हर चीज़ ऑनलाइन कर दी है, क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही है, इवन हम लोग एनरोलमेंट भी ऑनलाइन ही किए हैं, और इवन एक्सेस कार्ड के लिए भी मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई किया था, तो इसीलिए अभी लेटर के लिए भी ऑनलाइन ही मेल करना है, तो वो ऑनलाइन लाइक पोस्ट के थ्रू अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे लेटर के लिए तो पोस्ट के थ्रू वो घर पर आ जाएगा बैंक अकाउंट खोलने के लिए लेटर आपको, तो वो लेटर यूजफुल रहेगा बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। तो समझ जाइए कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, तो यहाँ पर भी ऑनलाइन बैंकिंग जो है ना बहुत सारे, स्टर्लिंग है, मोन्जो है और कोई और नाम से भी है, बट मोस्टली ये दो बैंक जो है ना बहुत सारे लोग यहाँ पर यूज करते हैं, स्टर्लिंग और जो है ना मोन्जो। तो जैसे हम इंडिया में फोन पे या गूगल पे यूज कर रहे हैं वैसे यहाँ पर वो मोन्जो, और यहाँ पर कार्डलेस बहुत सारे आपको यहाँ पर आने के बाद समझ आ जाएगा कि कौन सा कैसा बेहतर रहता। तो और अहमद साहब आपका पहला दिन कैसा था यूनी का, तो उसके बारे में कुछ कहना। पहला दिन हाँ बस अच्छा था, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता हाँ किधर जाना क्या है, क्योंकि अपने पास लाइक हैदराबाद में कॉलेजेस में कैसा रहता लाइक सीधा हम एक ऑफिस में गए सारी चीज़ें मिल जाएंगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं रहता, स्टूडेंट हब अलग होता, स्टूडेंट यूनियन अलग होता, आप अपने लाइक फीस के लिए इसके रिलेटेड जो भी क्यूरीज रहती है उसके लिए आपको एक अलग जगह जाना रहता, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता, बट धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आ जाते हैं। तो आज मैं गया था कल गया था यूनिवर्सिटी में, अपना एक्सेस कार्ड कलेक्ट किया वहाँ से, यूनिवर्सिटी का थोड़ा टूर लिया, और थोड़े जो मेरे क्लासमेट्स थे उन लोग से थोड़ी बातचीत हुई, मालूम हुआ कैसा रहता प्रोसेस और ये, और बहुत प्रॉब्लम तो एक्चुअली ये हो रही ऑनलाइन क्लास अटेंड करते वक्त अटेंडेंस का प्रॉब्लम हो जा रहा, अटेंडेंस को जाकर आपको अटेंडेंस डलवाना पड़ रहा है, तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा, बस हेलो हेलो धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, दिस इज द न्यू लाइफ गाइस। तो ऐसा ही कुछ चल रहा समझो जो स्टूडेंट्स न्यू आ रहे, क्योंकि हम अपने टाइम जो ना सारे क्लासेस जो ना मतलब फिजिकली जाकर अटेम्प्ट करना रहता था, और एनरोलमेंट भी फिजिकली करना होता था, बट अभी ऐसा नहीं है, सबको ऑनलाइन एनरोलमेंट करना है तो वैसे ही करना है, आपको फिजिकली यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, और इवन अगर आपको यूनिवर्सिटी जाना है और कोई आपको लाइक आपको स्टूडेंट हब जाना है या आपका कोई एक्सेस कार्ड कलेक्ट करना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना है, नॉट ओनली इन माय यूनिवर्सिटी, इट इज़ फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज, लाइक ऑल यूनिवर्सिटीज आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, सो वी हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट बिफोर वी हैव टू गो, तो अपॉइंटमेंट बुक कर ही जाना है यूनिवर्सिटी, ताकि आपकी वहाँ पर आपको वहाँ पर लाइन में ज़्यादा खड़ना नहीं होगा, क्योंकि कोविड की वजह से कोई ना लाइन में खड़ा रह पा रहा है, कोई किसी को खड़ने दे रहे भी नहीं लाइन में, तो इसीलिए आपको पहले ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है। तो ऐसा ही था समझो आपका पहला ही दिन, क्योंकि बहुत सारे नए चेहरे भी दिखने हाँ, को आए, बहुत सारे नए चेहरे, बहुत सारे तो नहीं क्योंकि लाइक ऐसा हो गया है कि अभी ये ग्रुप वाइज सबको डिवाइड कर दिए हैं कि ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री, तो सबका जो ग्रुप है पर्टिकुलरली उन लोग की टाइमिंग है कि ये टाइम पर आओ आपकी ये टाइम पर क्लास है, तो अभी एक दिन यूनी में एक दिन ऑनलाइन क्लास ले रही और एक दिन ऑन कैंपस क्लास रह रही है, तो ऐसे मंडे ट्यूजडे समझ लो आप। तो ज्यादातर आपके क्लासेस ऑनलाइन ही है बोलो? नहीं, वीकली ट्वाइस, दो दिन ही रह रहे क्लासेस एक्चुअली में, मंडे एंड ट्यूजडे, मंडे आपको ऑनलाइन क्लासेस है और ट्यूजडे आपको यूनिवर्सिटी जाना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहां पर कभी यूनी का भी टूर कराएंगे। हाँ, मतलब इंशाल्लाह हम लोग लाइक प्लान करे थे कल भी जाने का, बट थोड़ा सा इमरान साहब को थोड़ा सा काम था, ऐसा कुछ नहीं तो हो नहीं सका हम लोग का यूनी जाना, इंशाल्लाह जल्द से जल्द बनेंगे भाई, अच्छी यूनिवर्सिटी है लाइक बहुत अच्छा व्यू है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट यूनिवर्सिटी बट स्टिल बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ और बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटी से वैसे। तो ऐसा ही, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और जो है ना आपके सारे जो भी क्वेश्चंस है कमेंट करो, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस जो है ना पिकअप करेंगे, जो अपने को हिसाब से जो दिखेगा उसके नॉलेज के हिसाब से आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करेंगे, और अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे। जी जी, बहुत कुछ अभी आना बाकी है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे लाइक और सब्सक्राइब करोगे कमेंट करोगे तो हम लोग को भी बूस्ट मिलेगा कि हाँ भाई हम भी बनाए आगे वीडियोस, हमको भी लगा कि हाँ भाई लोग हमें देख रहे हैं,
तो हमारे भी होगा कि हाँ बनेंगे। आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों को क्या क्या जानना है यूके के बारे में, लाइक लंदन में कैसे रहना है, या आप लोगों को ट्रैवल के लिए कुछ पूछना है, या स्टूडेंट लाइफ कैसी है यहाँ पर, घर के लिए, आपको जो भी आपके रिलेटेड, आपको जो आपकी प्रॉब्लम है या आपको जो भी आपकी क्वेश्चन है, आप वो करिए। इंशाल्लाह हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की इंशाल्लाह। तो यहीं पर ही वीडियो को एंड करते हैं, और आपको जो है ना वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करो, और ऑलरेडी हमारे हेमंत साहब बोल दिए। सो मिलता हूँ फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हाफिज़ गाइस।